हाउ एल्स, सभी शब्दों के लास्ट में एल्स लिखा हुआ है, जो कि अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं एल्स से बनने वाले ऐसे कई सारे शब्द जो स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो पहला शब्द है हाउ एल्स, मतलब है और कैसे। अब इससे पहले था एवरीथिंग एल्स, और सब कुछ, लेकिन यहाँ पर है हाउ एल्स, मतलब और कैसे, इसे तुम और कैसे इसे करोगे। हाउ एल्स विल यू डू इट, वो और कैसे इसे सीखा। हाउ एल्स डिड, अब यहाँ पर वो है तो वो के लिए अंग्रेजी होगा ही लर्न इट, मतलब हाउ एल्स डिड ही लर्न इट, वो और कैसे इसे सीखा। तो और कैसे मतलब हाउ एल्स, और इसका प्रयोग तब करेंगे जब पता करना हो वे, मतलब तरीका पता करना हो कि काम किस तरीके से हुआ है। इसे रिया और कैसे उससे मिल सकती है। हाउ एल्स कैन रिया मीट हर, यहाँ पर सेंटेंस काफी ज्यादा आसान है, आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नो वन एल्स, इसका हिंदी मतलब है कोई और नहीं, जैसे कोई और यहाँ नहीं है, नो वन एल्स इज हियर, कोई और नहीं यहाँ महंगा कार खरीदेगा। नो वन एल्स विल बाय एन एक्सपेंसिव कार हियर, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कोई और यहाँ नहीं है, कोई और यहाँ किताब नहीं पढ़ता है, कोई और यहाँ ये चीजें यूज नहीं करता है, यहाँ पर आप ऐसे ही बोल सकते हैं। कोई और नहीं पहाड़ पर चढ़ेगा, नो वन एल्स विल क्लाइंब अप द माउंटेन। तो सेंटेंस यूं ही आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी है सेंटेंस बनाना इस कॉन्सेप्ट से। समथिंग एल्स मतलब है कुछ और, जैसे मैं कुछ और खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एल्स। राहुल कुछ और सीखेगा, राहुल विल लर्न समथिंग एल्स। तो ये समथिंग एल्स आप सेंटेंस में वर्ब के बाद लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लर्न और ईट के बाद आया हुआ है। हम लोग कुछ और खरीदेंगे, वी विल बाय समथिंग एल्स, वी विल बाय समथिंग एल्स, हम लोग कुछ और खरीदेंगे। तो सेंटेंस बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अगला शब्द है व्हेन एल्स, और इसका मतलब है और कब। ये पता करता है कि टाइम के बारे में, कि टाइम आखिर किस टाइम पर काम होना है, जैसे और कब तुम पढ़ते हो, तो मैं टाइम जानना चाहता हूँ, तो व्हेन एल्स डू यू रीड, व्हेन एल्स डू यू स्टडी, यहाँ पर ऐसे ही हम बोल सकते हैं। और कब वो दिल्ली जाएगा, व्हेन एल्स विल यू गो टू दिल्ली, व्हेन एल्स विल यू गो टू दिल्ली, और कब वो दिल्ली जाएगा, और कब वे लोग मैच खेलेंगे, व्हेन एल्स विल दे प्ले द मैच, व्हेन एल्स विल दे प्ले द मैच, और कब वे लोग मैच खेलेंगे। विच एल्स, और इसका मतलब है और कौन सी, जिसे बोलते हैं और कौन सी, इसका मतलब है कि आप विच एल्स का प्रयोग करेंगे, जैसे और कौन सी कार तुमने खरीदा, विच एल्स कार डिड यू बाय या डिड यू परचेज, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, नो इशू। और कौन सी किताब तुम पढ़ रहे हो, विच एल्स बुक आर यू रीडिंग, तो कौन सी किताब, इसका अंग्रेजी विच एल्स बुक। हुज एल्स का मतलब है और किसका, जैसे बोलते हैं कि और किसका, यहाँ पर वेन एल्स की जगह पर हुज एल्स करेंगे बाय मिस्टेक, और किसका कार तुम चलाते हो, हुज एल्स कार डू यू ड्राइव, और किसका कलम तुम यहाँ लाया, विच एल्स पेन डिड यू ब्रिंग हियर। विच एल्स पेन मतलब किसका कलम, और किसका कलम डिड यू ब्रिंग हियर, यहाँ लाया, हु एल्स, और इसका हिंदी मतलब है और कौन। और कौन जैसे ही बोलते हैं उसके लिए अंग्रेजी बोलते हैं हु एल्स, जैसे हु एल्स हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हु एल्स सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा। और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, अब यहां पर देखना है और कौन, तो
तो और कौन के लिए सबसे पहले हु एल्स आएगा, इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हु एल्स इज गोइंग विद यू, और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, और कौन मोबाइल खरीदेगा। आप समझिए कि सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन है और ये कैसे पता करे, तो उसके लिए दो ही चीजें जानना है और वो है व्हाट और हु। इससे आप दोनों से प्रश्न करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। जैसे जा रहा है तुम्हारे साथ जा रहा है हु, कौन जा रहा है हु एल्स, और कौन, और कौन मोबाइल खरीदेगा तो हु एल्स विल बाय अ मोबाइल। तो जो यहाँ पर हु एल्स के जगह पर लिखा जाएगा वो सब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर हु एल्स आया हुआ है। अगर मैं कहूँ कि अमन तुम्हारे साथ जा रहा है या अमन मोबाइल खरीदेगा तो हु एल्स के जगह पर लिखा जाएगा। और कौन खाना खाएगा, Who else will eat food? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि who else आप प्रयोग कर रहे हैं जहां जहां पर और कौन लिखा जा रहा है। और कौन अंग्रेजी सीखेगा, who else will learn English? तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। Why else? और इसका मतलब है और क्यों, जिसे why else helping verb, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आएगा मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे और तुम और क्यों यह करना चाहोगे, तो व्हाई एल्स मतलब और क्यों, विल यू लाइक टू डू दिस, या फिर विल के जगह पर आप चाहें तो वुड भी कर सकते हैं, नो डाउट। वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं, व्हाई एल्स डू दे वांट टू गो देयर, वो और क्यों उसे पीट रहा है, Why else is he beating him? तो why else का मतलब है और क्यों। Anything else? अब indefinite pronoun है ये anything और इसके साथ लगा हुआ word else और इसका हिंदी मतलब है कुछ और। जैसे क्या आप कुछ और इसके बारे में सोच रहे हैं, आर यू थिंकिंग, क्या आप सोच रहे हैं, एनीथिंग एल्स कुछ और, अबाउट इट इसके बारे में, क्या वो कुछ और लेना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू टेक, क्या वो लेना चाहता है, एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और, वो कुछ और खरीदना नहीं चाहता है, ही डजंट वॉन्ट टू बाय एनीथिंग एल्स, ही डजंट वॉन्ट टू बाय एनीथिंग एल्स, वो कुछ और खरीदना नहीं चाहता है। अगला शब्द है व्हाट एल्स और इसका हिंदी मतलब है और क्या। जैसे व्हाट एल्स हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तुम और क्या चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट, व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम और क्या चाहते हो, वो और क्या खाना चाहते हैं, What else does he want to eat? यहाँ पर आप sentences बना सकते हैं What else जैसे ही बोले तो उसका हिंदी मतलब और क्या। वे लोग और क्या खरीदेंगे, What else will they buy? What else will they buy? वे लोग और क्या खरीदेंगे। तो ऐसे ही sentences कई सारे बना सकते हैं जो spoken English में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा useful है। प्रिया और क्या कर रही है, व्हाट एल्स इज प्रिया डूइंग, व्हाट एल्स इज प्रिया डूइंग, प्रिया और क्या कर रही है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हो। अगला शब्द है नथिंग एल्स और इसका हिंदी मतलब है कुछ और नहीं। जैसे बोलते हैं राहुल के पास कुछ और नहीं है, राहुल हैज नथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ, नथिंग एल्स मतलब कुछ और नहीं, वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग नथिंग एल्स। तो सेंटेंस पॉजिटिव बनाएंगे और लास्ट में नथिंग एल्स लिख देंगे जिसका मतलब कुछ और नहीं। यहाँ पर नहीं के लिए ऑलरेडी ये नथिंग वर्ड नेगेटिव है। समवन एल्स,
और इसका हिंदी मतलब है कोई और, जैसे क्या और कोई तुम्हारे साथ है, इज समवन एल्स विद यू, कोई और यहाँ आ रहा है, समवन एल्स इज कमिंग हियर, समवन एल्स इज कमिंग हियर, कोई और यहाँ आ रहा है, कोई और खाना खाना चाहेगा, समवन एल्स विल वांट टू ईट फूड। यहाँ पर विल लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि विल के जगह पर क्या मैं वुड लिख सकता हूँ तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं वुड वांट, लेकिन वुड वांट अगर करते हैं तो ये भी ठीक नहीं, तो आप यहाँ पर वुड लाइक कर सकते हैं जो कि बेहतर होगा। विल वांट भी ठीक है, वुड लाइक भी ठीक है, तो दोनों ठीक है। कोई और पानी पी रहा था, कोई और जैसे ही बोले समवन एल्स वॉज ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रहा था कोई और, तो यहाँ पर आप सेंटेंस बना सकते हैं और ये सिंगुलर होता है, इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अगला शब्द है वेयर एल्स, और इसका हिंदी मतलब है और कहाँ, जैसे तुम और कहाँ रहना चाहते हो, तुम्हें यहाँ मन नहीं लगता तो तुम और कहाँ रहना चाहते हो, तो वेयर एल्स डू यू वॉन्ट टू लिव, और कहाँ तुम जा रहे हो, वेयर एल्स आर यू गोइंग, वेयर एल्स आर यू गोइंग, तुम और कहाँ जा रहे हो, और कहाँ वो अंग्रेजी सीखता है, वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश, वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश, वो और कहाँ वो अंग्रेजी सीखता है, तो और कहाँ जैसे ही बोले तो उसके लिए जल्दी से वेयर एल्स आप लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि वेयर एल्स का मतलब और कहाँ होता है। अगला शब्द है एवरीथिंग एल्स, और इसका हिंदी मतलब है और सब कुछ, जैसे बोलते हैं और सब कुछ कैसा है, हाउ इज एवरीथिंग एल्स, हाउ इज एवरीथिंग एल्स, और सब कुछ कैसा है, और सब अपने बारे में बताओ, टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योर सेल्फ, टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योर सेल्फ, और सब अपने बारे में बताओ।